मैं आपको आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंथन से पार्ट 7 अखबार में काम पढ़ाऊंगी। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आधे भाग को पढ़ाया था, अब मैं उसके आगे पढ़ाऊंगी। इस पाठ में अखबार में नाम का के लिए एक पात्र जो है बहुत परेशान था, जिसका नाम था गुरुदास। तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या उसकी अखबार में नाम आता है, क्या उसका नाम चर्चित हो पाता है। तो आइए पढ़ते हैं। गुरुदास जो था, उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी इच्छाएं भी उग्र हो रही थी पेपर में नाम आने की, अपना नाम चर्चित होने की। बहुत कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। किसी तरह उसके पिता के ऊपर उनके बड़े बाबू के हाथ होने के कारण उसे एक कलर की नौकरी मिल जाती है। जैसे तैसे अपनी इच्छाओं को मारते हुए वह नौकरी करता है, ये सोचते हुए कि मेरे मोहल्ले में तो हजारों लोग रहते हैं, तो उनका भी तो नाम अखबार में नहीं छपता है। ऐसी बातों से, ऐसी दलीलों से वो अपने मन को संतावना देता हुआ अपनी जिंदगी को काटता है। एक दिन जब वह अपने दफ्तर से थका हारा घर आ रहा था, तो रास्ते में एक अखबार वाले की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो चिल्ला रहा था कि आज शाम की ताज़ा खबर, नाहर मोहल्ले की एक ताज़ा खबर। नाहर मोहल्ला वही था जहां गुरुदास रहता था। कुछ दिनों पहले उस मोहल्ले में एक जो था प्लेग फुट नाम का एक रोग महामारी फैला हुआ था। उसी के कारण वो रोग जो है एक व्यक्ति को लग गया, जिसका नाम था दुलारे, और उसी की न्यूज़ उस अखबार में छपी थी। गुरुदास अखबार पढ़ने के लिए कुछ पैसे खर्च करके अखबार खरीदता है और पढ़ता है, तो उस अखबार में उस दुलारे की खबर छपी थी। गुरुदास आहे भरता है कि चाहे जिस भी कारण से कम गुरुदास की नाम अखबार में तो छपी, वो उसका नाम चर्चित तो हुआ, काश मेरा भी कुछ ऐसा हो पाता। वो इस कल्पना में इतना डूबा हुआ था कि उसे रास्ते पे आने जाने वाली गाड़ियों का कुछ होश ही नहीं था। अचानक उसे एक गाड़ी से धक्का लग जाता है, लेकिन वो उसे पता ही नहीं चलता है कि उसे गाड़ी से धक्का लग गया है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं लोग, तब तक भी उसे पता नहीं रहता है कि उसे क्या हुआ है। जब उसे होश आता है तो लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, चीखने चिल्लाने की, इधर उठा उधर उठा, और उसके कूल्हे में बहुत दर्द होती है। तो तब जब देखता है अपने आसपास लोगों को चिल्लाते हुए, तब उसे महसूस होती है कि अच्छा, मुझे चोट लग गई है। तो उसके इलाज के दौरान वहाँ पे एक वकील साहब आते हैं जो उस गाड़ी के मालिक थे जिस गाड़ी से उसे धक्का लगी थी। वकील साहब उसको समझाते हैं कि अरे भाई, तुमको ड्राइवर ने धक्का जान बूझ के नहीं मारा, एक बच्चे को बचाने के चक्कर में तुम्हें धक्का लग गया। जबकि उनके गाड़ी के ड्राइवर ने काफ़ी हॉर्न भी बजाई उसको, लेकिन वो अपनी कल्पना में इतना खोया हुआ था कि वो गाड़ी की आवाज़ ही नहीं सुन सका। वकील साहब कहते हैं कि कुछ ले दे के मामला को साफ कर देते हैं और उसे ज़्यादा सजा नहीं होने देना चाहते और उसे सजा होने से बचा लेते हैं। कोर्ट कचहरी की बात मैं देख लूँगा। तो जब ये सब बातें उसको गुरुदास को समझा रहे होते हैं वकील साहब, तो गुरुदास की नज़र वकील साहब के हाथ में एक लिपटी हुई अखबार पर पड़ती है। वो उस अखबार को बिना उनकी बातों को सुने हुए देखते जाता है। अचानक उससे रहा न गया तो वकील साहब से पूछता है कि क्या अखबार में मेरा नाम छपा है। तो वकील साहब हैरानी से पूछते हैं, अखबार में नाम? बोला, हाँ, मुझे तो धक्का लगा है, आपकी गाड़ी में मुझे धक्का मारा है, तो क्या इस कारण अखबार में मेरी नाम छपी है? तो वकील साहब बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हारा नाम अखबार में छपवाना है? तो बोला वो खुशी से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बोले, ठीक है, कल अखबार में तुम्हारा नाम छपेगा, अगर कल नहीं छपा तो जिस दिन कोर्ट में केस की सुनवाई होगी उस दिन तो जरूर छप जाएगा। वो दिन भी नज़दीक आ जाता है, कोर्ट में सुनवाई होती है। ये गुरुदास जो है गवाही के लिए जाता है, इससे पूछा जाता है कि क्या अखबार में नाम छपवाना चाहते थे आप? तो वो खुशी से बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ
कि अखबार में नाम मेरा छपे। वकील साहब अपने दलीलों से उसे अपने झांसे में ले लेते हैं, वो उससे स्वीकार करवा लेते हैं कि वो जो है अखबार में नाम छपवाने के लिए गाड़ी के सामने जानबूझकर आया था। वकील साहब के इस झांसे में गुरदास न चाहते हुए भी आ जाता है, उसे न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है कि वो अखबार में नाम छपवाने के लिए कितना आतुर था, और उसके लिए भी वो मान जाता है जब वकील साहब बोलते हैं कि आप जानबूझकर गाड़ी के सामने आए। दूसरे दिन अखबार में उसकी नाम छपता है, उसमें ये लिखा होता है कि मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। ये इतना दूसरे दिन की अखबार में लिखा होता है, और आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपवाने के लिए ही वो जानबूझ के गाड़ी के सामने आया। मतलब एक तरह से उस पर इल्जाम भी लग जाता है कि वो जानबूझकर गाड़ी के सामने आया, और इसलिए कोई हर्जाना उसे नहीं मिलता है। इस बात से गुरदास को बहुत शर्म आती है और वो अपना मुंह कहीं दिखाने के लायक नहीं रहता है। तो बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया है कि अखबार में नाम छपाने के लिए, अपने नाम को चर्चित करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो अब बच्चों, आप इसको आगे पढ़िएगा और समझिएगा।